हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है वो जो अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, एक दो दिन में या एक दो दिन पहले मोनेटाइज हो चुका है, तो उसमें हमें मोनेटाइज के लिए हमें कौन कौन से ऐड चलाने हैं और हमें कौन कौन सी एक्टिविटी है उसके अंदर सेटिंग्स है वो करनी है, जिससे हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो इनवैलिड एक्टिविटी न आ जाए। यदि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी आ जाती है तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हट जाता है और आपके एड जो यूट्यूब चैनल पे है वो ऐड आने हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इनवैलिड एक्टिविटी को हम लोग बंद कैसे कर सकते हैं और ये हमारे चैनल पे क्यों आती है, इसका कारण ये होता है। जैसे मेरी लोकेशन यही है और मैं इसी मोबाइल से एक ही आईडी से बार बार जो ऐड है वो देखता हूँ, या मेरे घर के अंदर जहाँ जहाँ लोकेशन है वहीं वहीं पे मैं बार बार ऐड देखता हूँ, तो वहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी आ जाती है। उस दौरान आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है और आपकी बहुत मेहनत जो आपने की है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट किया है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और वो आपकी मेहनत है वो पानी में बह जाती है। तो मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ऐसी गलती न करें और आपका चैनल है वो इनवैलिड एक्टिविटी न आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स है वो करनी पड़ती हैं। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं मोनेटाइजेशन के अंदर हूँ तो मोनेटाइजेशन ऑन है। अब मैं आता हूँ सिंपली वीडियो कंटेंट के अंदर, तो हम लोग उसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स करने वाले हैं जिससे हमारा जो चैनल है वो जो अन्य एक्टिविटी है उनके अंदर न आ जाए, जिससे हमारा जो चैनल है वो जल्दी जो YouTube से मोनेटाइज है वो हट जाए, तो आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो उससे बचने के लिए, अन्य एक्टिविटी के से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ सेटिंग्स करनी होती है, वो क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है फर्स्ट टाइम में जिससे हमारा जो चैनल है वो। तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी होती है जिससे हमारे चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी न हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा जो 4000 वॉचिंग टाइम और 1000 जो सब्सक्राइबर है वो खाक में मिल जाता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही कुछ सेटिंग कर लेनी है जिससे हमारे चैनल में इनवैलिड एक्टिविटी न हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो कंटेंट में आना है और यहाँ से आने के बाद में आपको वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पे 30 वीडियो वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से ऑल वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मोनेटाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, सब में ऑफ है, तो मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे जो सारे वीडियो है वो यहाँ से सेलेक्टेड हो चुके हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे वीडियो स्किप मत कर देना, यदि स्किप कर दिया है तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे आना है और उसके बाद में मोनेटाइजेशन पे आना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मोनेटाइजेशन आपको ऑन मिलेगा, यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करके और इसको है वो अपडेट कर देना है। उसके बाद आपका जो जितना भी वीडियो है सारे के सारे वो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएंगे और उसके बाद आपको रिफ्रेश करना होगा यहाँ से। तो अभी ये चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तब आपको, जैसे आप उसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करते ही आपके जो जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे वो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएंगे। तो हमें कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा। यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ऊपर आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जाता है, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन हैव मोनेटाइजेशन या मोनेटाइज योर वीडियो एंड एसेसरी सपोर्टेड। तो ये आपके चैनल पे पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर आ जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ देर के लिए वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट न हो जाए। तो अब ऑन हो चुका है, अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप सभी के सभी यहाँ पे आपके जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे वो मोनेटाइज ऑन हो जाएंगे। तो अब जो दोस्तों आपको मेन स्टेप करना है वो अब यहाँ पे आपको करना है कि अभी आपके जो चार वीडियो
फर्स्ट में अपडेट हुए हैं, तो मैं 4 वीडियो ले लेता हूँ, 4 की जगह 5 ही ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एडिट पे आना है और सिंपली मोनेटाइज पे वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड एडिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको एड सेटिंग के अंदर आना है। जैसे ही एड सेटिंग के अंदर आओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टाइप ऑफ एड्स, तो यहाँ पे आपको स्किबल जो एड आते हैं उनको ऑफ कर देना है आपके चैनल के अंदर और आपको अपडेट कर देना है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ जिससे मेरे चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी न हो। जैसे ये काम आपका पूरा हो जाता है उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 वीडियो या 3 वीडियो सेलेक्ट करने हैं जिन पे आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। जैसे मैं देख लेता हूँ व्यूज़ मेरे चैनल पर 4000 तक कर लेता हूँ कि 4000 तक जितने इससे जो व्यूज़ हैं वो वीडियो कौन कौन से हैं, उन वीडियोस को मैं क्या कर देता हूँ, मोनेटाइजेशन क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। तो ये मैंने 4 वीडियो या 5 वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे एडिट पे आता हूँ, मोनेटाइजेशन पे आता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद एड सेटिंग में आता हूँ और अपडेट एड में आता हूँ और स्किबल एड है वो ऑफ कर देता हूँ। तो ये आपको सेटिंग्स है वो कुछ कर लेनी है और मैं इनको यहाँ पे कर देता हूँ। अब मेरे चैनल के अंदर जो भी अन्य एक्टिविटी होगी वो अब नहीं होने वाली है। तो देखते रहते हैं, आपके घर के अंदर कोई भी मोबाइल में यूज़ करते हो तो एक आईडी से बार बार है वो आपको ऐड नहीं देखने हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रहे वरना आपका चैनल है वो खतरे में आ सकता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो इन चीज़ों का है वो विशेष करके ध्यान रखें। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपको करनी थी जो मैंने अभी आपको बता दी। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपने जो अभी वीडियो अपलोड किए हैं जो उन पे बंदे आ रहे हैं तो उन पे स्किबल जो ऐड है वो ऑफ हो जाएंगे और जिन पे आपके ज़्यादा व्यूज़ हैं उन पे भी ऐड है वो ऑफ हो जाएंगे। इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है कि इससे आपका जो चैनल है वो सेफ रहेगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी है जिससे आपके चैनल पर जो अन्य एक्टिविटी है वो सारी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये जो सेटिंग जो मैंने अभी बताई है वो आप लोग करके और आप अपने चैनल को इनवैलिड एक्टिविटी से बचा सकते हो, क्योंकि जो ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो होते हैं उन पे ज़्यादातर वो एक्टिविटी आती है, या जो अभी अभी आपने जो चैनल मोनेटाइज हुआ है उसके जस्ट जो वीडियो 3 या 4 वीडियो जो आपने अपलोड किए उन पे आ सकती है। तो उन वीडियो पर आप लोगों को जो स्किबल ऐड होते हैं स्किप वाले उनको आपको बंद कर देना है, बाकी जो ऐड है वो ऑन रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।